सो टॉपिक लिखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन। इसमें m का क्या मीनिंग है और c का क्या मीनिंग है अभी मैं बताता हूँ। जैसे अगर हम कोई y वर्सेस x ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेट लाइन का, y वर्सेस x ग्राफ, ठीक है, ऐसे समझो कि ये वो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है ब्लैक कलर में जो मैंने बनाई। इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m होता है स्लोप, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है tan थीटा, याद है कि नहीं याद है? स्लोप ऑफ किसी भी कर्व का स्लोप होता है tan थीटा या डिवाइड बाय dx। अब यहाँ पर ये थीटा कौन सा एंगल है? x एक्सिस के साथ वाला एंगल इस थीटा, उसका tan थीटा इज द स्लोप होता है, m होता है। ये m क्या होता है? ये m होता है tan थीटा, स्लोप होता है। समझ में आया? यस सर। हाँ, अभी एक साथ लिखना, अभी रुक जाओ, अभी कुछ मत लिखो, ठीक है। एंड c होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। सी इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है? देखो देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन है, इसमें मैं अगर इफ एक्स इक्वल टू जीरो है तो वाई कितना होगा? सी होगा। एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो यहां पर तो ये जीरो हो जाएगा, तो वाई कितना आएगा? सी। समझ में आया क्या? अब इस एक्स, इस ग्राफ में देखो, एक्स की वैल्यू जीरो यहां पर होती है, इस लाइन पर एक्स की वैल्यू जीरो होती है, या एक्स जैसे ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। समझ में आया क्या? हाँ, ऐसे समझ में। ये वाई की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे, तो एक्स इक्वल टू जीरो पर y की वैल्यू कितनी आ रही है? c, तो वो ये वैल्यू है। समझ में आया क्या? यहाँ का अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूं तो मैं लिखूंगा x का कोऑर्डिनेट है जीरो और y का कोऑर्डिनेट है c। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, सो व्हाट इज दिस c? ये c है ये डिस्टेंस, यहां से लेके जीरो से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये है सी। ये वाई पर इंटरसेप्ट है कि नहीं है? अब ये सी पॉजिटिव है, प्लस में है तो ऊपर आएगा, और सी नेगेटिव है तो नीचे लाइन कट करेगी, वो हम देखेंगे अभी आगे। आया समझ में? सो व्हाट इज सी? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। व्हाट इज एम? स्लोप ऑफ द लाइन, वो कितना होता है? टेन थीटा। थीटा किसके साथ एंगल बनता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया? हाँ, ये लिखो फिर मैं क्वेश्चंस देता हूं। फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस, ठीक है। सो मैं आपको इक्वेशंस लिख के दे रहा हूं। फर्स्ट, y is equal to 5x plus 6. Second, y is equal to minus 3x plus 2. Third, y is equal to 4x minus 8. Fourth, 2y is equal to 5x plus 3. Fifth, 3y plus 2x minus 2 equal to 0.
सिक्स टू वाई माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू फाइव, इन सब ने निकालना है, स्लोप निकालना है और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। बताओ सोल्व करो। चलो देखो देखो इसमें तो डायरेक्ट हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ये इक्वेशन से, ये स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है कि नहीं है, एम इक्वल टू फाइव और सी इक्वल टू सिक्स, ठीक है। इसमें ये स्लोप है एम इक्वल टू माइनस थ्री और सी इक्वल टू टू, इसमें ये स्लोप है एम इक्वल टू फोर और सी इक्वल टू माइनस एट। सबके आंसर मैच हो रहे ना? यस सर। यस सर। Yes, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। फाइव एक्स बाई टू प्लस थ्री बाई टू, तो स्लोप कितना आया, फाइव बाई टू, और इंटरसेप्ट कितना आया, थ्री बाई टू, वन बाई टू। इसमें क्या करेंगे, इसको हम इसी इक्वेशन में लाएंगे तो ये बन जाए इज इक्वल टू थ्री वाई, फिर थ्री से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू बाई टू एक्स बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो स्लोप कितना आया, माइनस टू अपॉन थ्री, और इंटरसेप्ट टू बाई थ्री। समझ में आया? इसमें क्या करेंगे, टू वाई इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस फाइव हो जाएगा, फिर टू से डिवाइड कर दो तो वाई इज इक्वल टू सिक्स एक्स बाई टू प्लस फाइव बाई टू, तो सिक्स बाई टू थ्री आएगा। यस सर। तो थ्री एक्स प्लस फाइव बाई टू, तो एम कितना आएगा, थ्री, और इंटरसेप्ट कितना आएगा, 5.5। समझ में आया क्या? यस सर। आया समझ में? हाँ लिख लो जिसने नहीं किया। सो स्लोप भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अब इनके कुछ इक्वेशंस के हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं हम स्ट्रेट लाइन के, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स। जैसे मान लो फर्स्ट फर्स्ट है मान लो वाई इक्वल टू जीरो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है वाई इक्वल टू जीरो, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, फुल लाइन विल बी ऑन एक्स एक्सिस। यस, ये वाई ये एक्स, तो वाई इक्वल टू जीरो, देखो एक्स एक्सिस के हर यहाँ पर हर जगह वाई जीरो, तो वाई इक्वल टू जीरो, समझ में आया, तो कैसा ग्राफ बनेगा, फुल लाइन ऑन, लाइन ऑन एक्स एक्सिस ये है वाई इक्वल टू जीरो। सेकंड, अगर मुझे एक्स इक्वल टू जीरो का ग्राफ बनाना है तो कैसा बनेगा, वाई एक्सिस, एक्स जीरो कौन सी एक्सिस पर होगा, वाई एक्सिस पर, तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। समझ में आया क्या, इस ग्राफ की इक्वेशन है एक्स इक्वल टू जीरो, आया समझ में, वाई जीरो नहीं एक्स जीरो इसमें। जैसे थर्ड मुझे बनाना है लेट्स से इज इक्वल टू थ्री एक्स, इसका ग्राफ बनाना है, बताओ कैसा बनना चाहिए, समझ में आया क्या, एक्स माइनस टू है तो वाई माइनस सिक्स रहेगा। अब इसको अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो थ्री एक्स प्लस जीरो लिख सकता हूँ इसको। यस सर। तो इंटरसेप्ट जीरो है, yes, मतलब लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इंटरसेप्ट जीरो का मतलब क्या होता है, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है
और स्लोप बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप कौन से क्वाड्रेंट में होता है? टेन थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना, 90 डिग्री से कम में। तो इस लाइन का स्लोप एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम बनेगा, तो ये लाइन क्या ऐसी बनेगी? समझ में आया क्या? Yes, sir. और इसका स्लोप थीटा है ना, तो इसका स्लोप m इज इक्वल टू 10 थीटा इज इक्वल टू 3। आया समझ में? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. अगर जैसे मुझे मान लो इक्वेशन 4 y इज इक्वल टू -3x बनाना है, ये भी देखते ही समझ में आ रहा है ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या नहीं। जब भी x की पावर 1 हो, यहाँ पे x की पावर क्या हो, जब भी 1, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इसको, जब भी x की पावर 1 हो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। समझ में आया? बोलो इसका कैसा ग्राफ बनेगा? इंटरसेप्ट 0 है या कुछ और है? इंटरसेप्ट 0 है एंड इट विल बी डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड स्लोप। हाँ, इंटरसेप्ट 0 है तो ओरिजिन से पास होगा। अब देखो स्लोप, स्लोप देखो पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। मतलब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तभी तो नेगेटिव आया स्लोप। आया समझ में? हाँ, तो ये ऐसे बनेगा। समझ में आया? इसका जो स्लोप है थीटा एक्स एक्सिस साथ, ये थीटा इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसमें ये एक्यूट था, लेस देन 90 डिग्री था, तभी पॉजिटिव आया था। इसमें स्लोप कितना है? 10 थीटा, वो कितना है? -3। सो थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ऐसा ऐसा कर्व बनेगा इसका, वाई इक्वल टू -3x। आया क्या समझ में? हाँ, बनाओ बनाओ, फिर और भी बनाएंगे। इन सब में अभी तक मैंने थर्ड और फोर्थ में जो इंटरसेप्ट लिया है वो 0 है, 0 इंटरसेप्ट है तो ओरिजिन से पास होगी लाइन। जैसे मान लो हमें ग्राफ बनाना है y is equal to 3x plus 5, बनाओ तुम लोग इसका ग्राफ बनाओ। देखो इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट कितना है? 5। इंटरसेप्ट प्लस है या माइनस में? प्लस होगा इंटरसेप्ट 5 पर, है ना, ऊपर आ रहा होगा। ये वाई है ना, ये एक्स है। अब ये लाइन ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है, हम कैसे बताएंगे कि कौन सी वाली है? स्लोप देखकर। स्लोप पॉजिटिव है तो ये लाइन ऐसी होगी या ऐसी होगी? पॉजिटिव स्लोप मतलब थीटा 90 डिग्री से कम, थीटा 90 डिग्री से कम तो ये लाइन ऐसी होगी। समझ में आया? और इसका स्लोप ये 10 थीटा, ये 3 आएगा। आया समझ में? और ये इंटरसेप्ट कितना है? वाई इंटरसेप्ट 5। आया समझ में? Then, अब इसका बताओ y is equal to 2x minus 3 का, इसका बनाओ 2x minus 3 का। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव तो यहाँ कहीं, ठीक है? यस सर। समझ में आया? माइनस 3 पर। और स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव।
तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो अगर आप ऐसे बनाओगे तो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा ये एंगल, ऐसे बनाओ इसको, समझ में आया? यस सर। तो ये इक्वेशन आई, ये एंगल है एक्स, ये थीटा स्लोप, टेन थीटा इक्वल टू टू, ठीक है, और ये यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, माइनस जीरो कोमा माइनस थ्री, यहाँ के कितने थे, जीरो कोमा फाइव, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है, थ्री, डिस्टेंस थ्री है, कोऑर्डिनेट माइनस थ्री। अच्छा, हम यहाँ के कोऑर्डिनेट भी बता सकते हैं क्या, या फिर इसमें यहाँ के बताओ कैसे बताएंगे? सर y को हम लोग जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर हम लोग x करेंगे। हाँ देखो, इस इक्वेशन में इस लाइन पर y जीरो होता है, यहाँ का y कोऑर्डिनेट जीरो है, इस जगह का y कोऑर्डिनेट जीरो, तो y जीरो पुट करो, अगर y जीरो पुट करोगे तो x इक्वल टू आएगा माइनस फाइव बाई थ्री, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, माइनस फाइव बाई थ्री कोमा जीरो, समझ में आया? यस सर। हाँ यस सर। यहाँ के कोऑर्डिनेट बताएंगे तो दूसरी वाली इक्वेशन में y को जीरो पुट करो तो x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 3/2, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट है 3/2, 0, ये x इंटरसेप्ट है, आया क्या समझ में? हाँ यस सर। देन इसकी इक्वेशन बनाओ, सो y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस फाइव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो यहाँ कहीं कट कर रहा हूँ, और स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव। तो कैसा बनेगा, इंक्लाइन, इंक्लिनेशन 90 डिग्री से ज्यादा होगा या 90 से कम होगा? 90 से ज्यादा, मोर देन 90, मोर देन 90 होगा, तो ये ऐसा बनेगा फिर इस पॉइंट से पास होते हुए ऐसे, ये इंक्लिनेशन इसका स्लोप, इट इज ग्रेटर देन 90 क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, समझ में आया? यस सर। इसका भी बना दो, इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, नेगेटिव। तो यहाँ पर माइनस फाइव इधर है ना, अच्छा यहाँ के कोऑर्डिनेट भी लिख दो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट फाइव, यहाँ के भी लिख सकते हैं, वाई जीरो पुट कर दो एक्स आ जाएगा, समझ में आया वैसे? yes. अब स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप मतलब इंक्लिनेशन 90 से ज्यादा या कम? ज्यादा, ज्यादा, तो ज्यादा ऐसे ही बनेगा। yes, sir. समझ में आया? yes, sir. Yes, sir. ये थीटा, ये 90 से ज्यादा, ठीक है ना, ये यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो कोमा माइनस फाइव, ठीक है, और ये इक्वेशन है, समझ में आया क्या? यस सर। ओके, अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, स्लोप पॉजिटिव कौन कौन से में है, इन चारों में बताओ पहले। चलो फर्स्ट का स्लोप, फर्स्ट इक्वेशन का स्लोप जीरो है ना, सेकंड इक्वेशन का स्लोप थीटा से बताओ, थीटा, थीटा 90 डिग्री है सेकंड इक्वेशन में, yes, sir. ये 90 डिग्री ना, यहाँ पे थीटा इनफिनाइट स्लोप है, सेकंड इक्वेशन का स्लोप कितना है, 10 90 कितना होता है, इसका स्लोप कितना है, इन्फिनिटी, इसका स्लोप हो जाएगा 10 90 इन्फिनाइट, इसका स्लोप होगा
टेन जीरो डिग्री, मतलब जीरो क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ ये जीरो डिग्री बना रही है लाइन, समझ में आया? हाँ यस सर। इसमें स्लोप देखो पॉजिटिव है, तो देखो पॉजिटिव स्लोप में अगर एक्स बढ़ता है तो वाई भी बढ़ेगा, अगर एक्स कम होता है तो वाई भी कम होगा, होगा कि नहीं होगा? मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी पढ़ाया था, पॉजिटिव स्लोप मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स पॉजिटिव है, मतलब डिफरेंशिएशन डीवाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, डीवाई बाई डी एक्स का पॉजिटिव होना मतलब एक्स बढ़ाओगे तो वाई बढ़ेगा, एक्स कम करोगे तो वाई कम होगा, याद है ना? इसमें नेगेटिव स्लोप में देखो एक्स बढ़ा रहे हो तो वाई कम हो रहा है, और एक्स कम कर रहे हो तो वाई बढ़ रहा है, कोऑर्डिनेट मिला के देख लो, एक्स इक्वल टू वन पर वाई माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू टू पर वाई माइनस सिक्स हो गया, तो कम हुआ ना वाई तो? Yes, sir. तो नेगेटिव स्लोप में उल्टा होता है, अगर एक्स बढ़ाओगे तो वाई कम होगा और एक्स कम करोगे तो वाई बढ़ेगा, किसी को डाउट है क्या? इनमें भी देख लो, ये इसमें स्लोप पॉजिटिव है, तो देखो एक्स बढ़ा रहे हो और वाई भी बढ़ रहा है, एक्स कम करोगे तो वाई इधर नीचे नेगेटिव में जा रहा है, समझ में आया क्या? हाँ डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है? इसमें देखो नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव स्लोप है, एक्स बढ़ाओगे तो वाई बढ़ेगा, ये एक्स ये बढ़ रही है ना लाइन, ऐसे बढ़ रही है कंटिन्यूसली, वाई भी बढ़ रहा है एक्स भी बढ़ रहा है, समझ में आया? इसमें देखो इसमें एक्स बढ़ रहा है तो वाई नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव स्लोप है, आया समझ में? हाँ एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई फाइव था, फिर धीरे धीरे एक्स बढ़ रहा है वाई नीचे जा रहा है, जीरो भी हो जाएगा यहाँ पर वाई, समझ में आया क्या? फिर वाई नेगेटिव हो जाएगा, आया समझ में? यस सर। ओके एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हमसे पूछा है फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताइए, बताओ। देखो इधर देखो सब इक्वेशन ऑफ कोई भी इक्वेशन उसकी स्लोप इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c तो आपको देख के पता लग रहा है C कितना है, ये कोऑर्डिनेट देख लो C कितना है बताओ? माइनस फाइव। अब स्लोप बताना है, स्लोप के लिए ये एंगल चाहिए, ये एंगल से थोड़ा ना मिलेगा हमें, वाई एक्स के साथ एंगल थोड़ा ना देखना होता है, एक्स के साथ देखना होता है, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला नहीं ये वाला एंगल, ये थीटा निकालना है। अब ये 60 है, ये एंगल 90 होता है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। तो ये कितना होगा? 150 डिग्री। समझ में आया? तो m इज इक्वल टू होता है स्लोप, वो होता है टेन थीटा, थीटा कितना है 150, टेन 150 कितना होगा, टेन 180 माइनस 30 है ना? Yes, sir. तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है तो माइनस टेन 30 आएगा, इसको कैसे निकालेंगे हम? 10 180 माइनस 30, ये बन जाएगा माइनस 10 30 माइनस 1/√3, समझ में आया क्या? Yes. हाँ ये m आ गया स्लोप, तो क्या इक्वेशन बनेगी? m की जगह लिखेंगे माइनस 1/√3 एक्स माइनस 5, है ना? ऑप्शन में हो सकता है ऐसे गिवन हो, रूट थ्री से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो रूट थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5√3, हो सकता है ऑप्शन में ऐसे कि वन रूट थ्री वाई प्लस एक्स प्लस 5√3 इक्वल टू जीरो, समझ में आया? Yes, sir. कुछ भी हो सकता है ऑप्शन। Yes, sir. आगे सोच रहे सबको? Yes, sir.
सो नाउ मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी हमें फिजिक्स में कंसेप्ट चाहिए होते हैं वो हमने सारे पढ़ लिए, ठीक है। लिखो इसको।